एवरीवन, तो आज है एनसीईआरटी के चोंचले डे 3। तो आज के चोंचले में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट लाइट अंडर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे भी डायरेक्ट नीट के क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस वाला, ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से मैक्सिमम ऑफ द टाइम नीट में क्वेश्चन है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये लाइट वाला टॉपिक अपन जल्दी से डिस्कस करेंगे इन 3 to 5 मिनट्स। देखो, पहली चीज, लाइट को अपन कौन से पैरामीटर पे जज करने वाले हैं। पहली चीज तो है इसकी लाइट की क्वालिटी क्या है, दैट इज पार रेडिएशन 400 to 700 नैनोमीटर। फिर लाइट की इंटेंसिटी कितनी है एंड देन लाइट ड्यूरेशन। ये 3 पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं कोई भी प्लांट को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में। ठीक है, अब जितनी भी टोटल सनलाइट आती है भाई, ठीक है, उसमें से पार रेडिएशन भी अगर आप देख लिए 400 to 700 नैनोमीटर, उसमें से सिर्फ अपने को चाहिए 10% सैचुरेशन इज इनफ फॉर द फोटोसिंथेसिस टू हैपन। ठीक है, बस 10% सैचुरेशन इज इनफ। अब देखो, लाइट जो होती है हमेशा अवेलेबल रहती, राइट, एनवायरमेंट में हमेशा लाइट दिखती ना, तो लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर। लाइट जो है प्लांट्स के लिए कभी भी एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहती, इट्स वेरी वेरी रेयर। बट एक्सेप्शन यहाँ पे दिया, एक्सेप्शन पे नीट में क्वेश्चन भी है। तो एक्सेप्शन क्या है, स्कियोफाइट्स। स्कियोफाइट्स क्या है भाई, शेडी प्लांट्स है। तो शेडी प्लांट्स के लिए क्या होता है, लाइट विल बिकम लिमिटिंग फैक्टर। फॉर स्कियोफाइट्स लाइट इज गोइंग टू बिकम द लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एनसीईआरटी में एक लाइन क्लियरली मेंशन करा हुआ है विच सेज एट लो लाइट इंटेंसिटी, जब भी लाइट इंटेंसिटी कम रहती, इट विल शो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या है कि लो लाइट इंटेंसिटी जब भी रहती ना, लेट मी राइट डाउन हियर, लो लाइट इंटेंसिटी अगर है तो अगर लाइट इंटेंसिटी को इफ आई इंक्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं बढ़ा दूं, तो मेरा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हो जाता। तो लाइट इंटेंसिटी एंड कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बोथ गोज हैंड इन हैंड, एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अगर लाइट बढ़ा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर बढ़ा देंगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ जाएगा, बट कब, लो लाइट इंटेंसिटी में। अब लाइट इंटेंसिटी अगर बढ़ते चली गई एंड इट विल हिट एट लाइक इट्स मैक्सिमम पॉइंट, उसके बाद अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ा भी दो ना, तभी भी फोटोसिंथेसिस कभी भी इंक्रीज नहीं होता। रीजन क्या है उसका, कि बियॉन्ड अ स्पेसिफिक पॉइंट लाइट बढ़ा लेके क्या फायदा भाई, फोटोसिंथेसिस करने के लिए पानी भी होना, कार्बन डाइऑक्साइड भी होना, तो व्हाट अबाउट दोज फैक्टर्स, तो दूसरे फैक्टर्स कम रह सकते हैं ना। तो यही बोल रहा है ये लाइट, ये दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट इंटेंसिटी, एट लो लाइट इंटेंसिटी, लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी बढ़ाओ, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता। लाइट इंटेंसिटी कम करो, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम हो जाता। तो दोनों मतलब एक लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, बट हाई लाइट इंटेंसिटी में एक बार जब एक ऑप्टिमम पॉइंट एक हिट कर गया लाइट इंटेंसिटी का, नो फर्दर इंक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एज अदर फैक्टर्स मे बी लिमिटिंग, दूसरे फैक्टर्स शायद कम हो जाएंगे। अब ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे अपने पास एक ग्राफ है। अब ग्राफ को देखो, ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स में ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा। ए वाला देखो, लो लाइट इंटेंसिटी, मतलब धीरे धीरे यहाँ पे लो लाइट है, धीरे धीरे यहाँ आते आते बी पॉइंट तक हाई लाइट इंटेंसिटी हो जा रहा। तो लो लाइट इंटेंसिटी में क्या बोल रहा है ये देखो, अंडर लो लाइट इंटेंसिटी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर लो लाइट इंटेंसिटी से अगर अपन समझने की कोशिश कर रहे, इफ आई ट्राई टू इंक्रीज द लाइट इंटेंसिटी, फोटोसिंथेसिस विल ऑल्सो इंक्रीज। लाइट इंटेंसिटी जैसा जैसा बढ़ते गया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल ऑल्सो इंक्रीज। यही पॉइंट पे ये भी बोल रहा कि जहां पर भी लो लाइट इंटेंसिटी है, तो अगर लाइट इंटेंसिटी अगर अपन बढ़ाए, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन को भी बढ़ाए, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल ऑल्सो इंक्रीज। ओके, बट अब देखो, लाइट इंटेंसिटी क्रॉस करते करते बी पॉइंट तक आ गई। ठीक है, अब बी पॉइंट पे जैसे ही आ गई, हो सकता है कि लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही होंगी भाई, बहुत बढ़ रही होंगी, बट व्हाट अबाउट अदर फैक्टर्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, टेम्परेचर, ये फैक्टर्स शायद सूटेबल नहीं है, ये फैक्टर्स शायद कम पड़ेंगे। तो जस्ट बिकॉज अदर फैक्टर्स आर लिमिटेड, लाइट इंटेंसिटी बढ़ के भी कुछ भी फायदा नहीं है, बिकॉज जब भी फोटोसिंथेसिस होता है, ये पूरे फैक्टर्स एक साथ काम करना, एक भी अगर ऊपर नीचे हो गया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नीचे गिर जाता सीधा, डायरेक्ट ड्रॉप। ठीक है, अब लाइट इंटेंसिटी अगर एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच गई समझो, इसके अलावा भी अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ते चली गई ना बियॉन्ड स्पेसिफिक पॉइंट, क्लोरोफिल ए विल ऑल्सो ब्रेक डाउन, क्लोरोफिल ए टूट जाता एंड दिस विल
ड्रॉप द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ पॉइंट सी, इस पे ध्यान दो, देयर इज नो इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. यहाँ पॉइंट सी पे स्टेशनरी पे चल रहा भाई, क्योंकि अब मैक्सिमम वो रीच हो गया, लाइट इंटेंसिटी एंड ऑल द अदर फैक्टर्स वहां तक पहुंच गए, तो अब फोटोसिंथेसिस स्टेशनरी चलती. ठीक है, अब यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी बढ़ा के भी फायदा नहीं है, बिकॉज अब दूसरे फैक्टर्स जब तक अपन नहीं बढ़ाए, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज. नाउ पॉइंट डी, दिस टॉक्स अबाउट मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये वाला जो पॉइंट है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है, इसके आगे कुछ भी कर लो फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ता, अनलेस एंड अंटिल ऑल द फैक्टर्स आर गोइंग टू इंक्रीज ऑल टुगेदर. एक बढ़ा, दूसरे तीन नहीं बढ़े, तब भी फोटोसिंथेसिस नहीं, फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं इंक्रीज हो सकता. ठीक है, तो ये लाइट वाला पार्ट है. तो इसमें से पूरे जितने भी पॉइंट्स में डिस्कस करी, पूरे नीट पॉइंट ऑफ व्यू है, पूरे नीट पॉइंट ऑफ व्यू. पीवाईक्यू खोल के चेक कर लो. ठीक है, ये स्कियोफाइट्स वाला नीट का क्वेश्चन है, 10% सैचुरेशन नीट का क्वेश्चन है, लो लाइट इंटेंसिटी में लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है नीट का क्वेश्चन है. ठीक है, आपको मटेरियल्स में भी मिल जाती है क्वेश्चंस. ठीक है, सो आई होप दिस हेल्प्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन द नेक्स्ट चोंचला. बाय बाय.